तो जी स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्षत्रिय गेमर पे। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त प्रणव तोमर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब चंगे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है लैच ग्रैब टिप्स एंड ट्रिक का, और हम लोग एक सीरीज और स्टार्ट करने वाले हैं जो होगी ग्लिच पर, पबजी मोबाइल लैग के ग्लिचेस पर। या तो हम उसमें बताएंगे आपको नए ग्लिच के बारे में, या बताएंगे हम टॉप 5 ग्लिच जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो आप नीचे कमेंट में बता दें क्या हम ये सीरीज स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और फिलहाल हम अपने बढ़ते हैं वीडियो पे। तो पॉइंट नंबर 1 है मेरे भाई ईस्ट पोर्ट पर। यहाँ पर एक बहुत कमाल का ग्लिच वर्क कर रहा है, प्लस लैच ग्रैब की मदद से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली से आपको ये सामने पेड़ दिखाई दे रहा है ना, इस जगह पे आना है और यहाँ पर जो ग्रिल दिखाई दे रही है ना, इस पर से जंप करना है और आप पेड़ के ऊपर जाओगे और सीधे लैच ग्रैब की मदद से आप उसके अंदर घुस जाओगे। तो यहाँ से सीधे भागते हुए जाओगे, जंप करोगे और इस पे ग्रिल पे एक बार जंप करके आप सीधे यहाँ आ जाओगे। और बहुत कमाल की ट्रिक है, इसके अंदर आप छुप सकते हो। यकीन मानिए मेरे भाई, कोई भी बंदा आपको नहीं देख पाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप यहाँ हो सकते हो, क्योंकि बहुत ऊँचाई पर है ये ज़मीन से। तो एक बार से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ओपी ट्रिक है ये वाली। आप यहाँ से आराम से बंदों को किल कर सकते हो बैठे बैठे यहाँ पर। और अगर आपका लास्ट जोन यहाँ बनना है और अगर इसके अंदर आप आ गए, तो भाई चिकन डिनर आपका ही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। तो पॉइंट नंबर 2 है कैनन पे वर्क करता है मेरे भाई आपका ओल्ड बेसिन से आगे, पता नहीं कैनन ही बोलते या क्या बोलते हैं इसको, उसको छड्डो। और यहाँ पर ऐसे आपको घर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली करना क्या है, ये गेट को बाहर खोलना है और आप अंदर से आके इस खिड़की पे जंप कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो बाहर से भी इस पर आ सकते हो। और सिंपली आने के बाद आपको सामने जंप करना होगा। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, आप बाहर से भी आ सकते हो और यहाँ से जंप करने के बाद भी आप खिड़की पे चढ़ सकते हो बाहर से भी या अंदर से भी। और फिर सिंपली से जंप करना है, लैच ग्रैब की मदद से आप ऊपर आ जाओगे। और ये वाली बहुत जगह बने हुए हैं घर, और अगर इसके ऊपर आ गए तो यार इतना अच्छा कवर मिलता है ना बंदों को, कि आप इजीली आप किसी भी बंदे को किल कर सकते हैं अगर आपके आसपास होता है वो। और बहुत टाइम लग जाएगा उसको आपको ढूंढने में वो आप हैं कहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर कोई रास्ता है नहीं चढ़ने का। तो एक बार से ज़रूर ट्राई करिएगा ये ट्रिक भी, अगर आपके पास आसपास ऐसा घर हो तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगी ये ट्रिक आपके लिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर मिल जाएगी, आप इजीली बंदों को किल कर सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। तो पॉइंट नंबर 3 है मेरे भाई स्टेडियम के जस्ट बराबर में। ये छोटी सी ट्रिक है बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। तो आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, आपने सामने से आओगे, जंप करोगे और इसके ऊपर चढ़ जाओगे। और ये कैसे हेल्पफुल है आपके लिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो फिलहाल आप सिंपली इस पर चढ़ जाओगे, आराम से बंदों को किल कर सकते हो यहाँ से, और तब कर सकते हो जब बंदा इस साइड से आ रहा हो। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसके ऊपर होगे तो कोई बंदा देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता भी नहीं चलेगा आप इधर हो। तो ये ट्रिक आप तब यूज कर सकते हो जब सामने से बंदे आ रहे हों उस साइड से, और आप सिंपली यहाँ पे चढ़ोगे और यहाँ पे लेट जाओगे। सामने से आ रहे अगर बंदे को आप पता भी नहीं चलेगा आप इस जगह हो। तो बहुत हेल्पफुल ट्रिक है, एक बार से ज़रूर ट्राई करिएगा जब भी आपकी ऐसी स्थिति हो जब सामने से बंदे आ रहे हो, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। तो हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। तो ये पॉइंट नंबर 4 मेरे भाई आपका इस जगह पर करता है चर्च के पास में। सिंपली से अगर इधर उधर बंदे हैं या चर्च में बंदे हैं तब आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर ये घर दिखाई दे रहा है, सिंपली से आपको इस कैन पे चढ़ना है और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना इसके ऊपर जंप करोगे, आप लैच ग्रैब की मदद से ऊपर चढ़ जाओगे। और यहाँ चढ़ने के बाद आप सिंपली से इधर भी मार सकते हो बंदों को, और अगर चर्च की तरफ से बंदे आ रहे हो ना तो बंदों को पता भी नहीं चलेगा आप ऊपर बैठे हुए हो, वो आपको नीचे देखेंगे, आप तब आराम से उनको किल कर सकते हो। तो बहुत हेल्पफुल ट्रिक है आपके लिए। और सामने अगर इस वाले घर में बंदे हो तब तो काफ़ी ओपी ट्रिक हो जाएगी आपके लिए, एक बार से ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप इस वाली लोकेशन पर हैं और बंदे चर्च से आ रहे हों आप पर रश करने के लिए, या फिर बंदे वहाँ पर हों या सामने बंदे हो, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये ट्रिक भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 5, क्या ही बताऊँ, इतनी ओपी ट्रिक है मेरे भाई की, सारी इसके सामने फेल हैं। आप सिंपली क्षत्रिय गेमर सर्च करेंगे यूट्यूब पर और सब्सक्राइब करेंगे, ऑल पर सेट करेंगे और या हो जाएगा अपना चैनल सब्सक्राइब। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। और ये लास्ट वाली ट्रिक इसलिए बताइए क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं हो रहा है, बन के जल्दी से जल्दी पहुँचाओ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।